प्रायोजक है होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोला तहसील में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी फरियादियों की समस्याएं। गीता प्रेस प्रकाशन में शासन प्रशासन से की जमीन की मांग, कहा आधुनिक मशीनों से पूरी होगी पुस्तकों की डिमांड। संपूर्ण समाधान दिवस पर सदर तहसील में आए 58 फरियादी, 6 का मौके पर किया गया निस्तारण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दक्षिणी क्षेत्र के समस्त चौकी प्रभारी के साथ की बैठक, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। घंटाघर के जीर्णोद्वार के साथ ही आर्य नगर तक बेतरती बिजली के तारों व खंभों को किया जाएगा अंडरग्राउंड, बनेगा व्यापारिक हब। एसडीएम सदर की मौजूदगी में पदोन्नत होकर स्थानांतरित हुए कर्मचारियों का किया गया सम्मान। आरटीओ के नेतृत्व में ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अभियान का महापौर ने किया शुभारंभ। यातायात पुलिस द्वारा ऑटो रिक्शा में छूटे बैग जिसमें 25,000 नगद व अन्य सामान को सकुशल बरामद कर यात्री को किया गया सुपुर्द। बदलते मौसम में बढ़ी मरीजों की संख्या, इलाज के साथ डॉक्टर बता रहे बचाव के उपाय। सिटीजन फीडबैक की तिथि बढ़ी, नगर आयुक्त ने की अपील, कहा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में करे योगदान। और सीएमओ की जनपद वासियों से अपील, कहा फाइलेरिया रोधी दवा का जरूर करें सेवन। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा तहसील गोला पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना एवं मौजूद संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार मीणा, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गीता प्रेस का अगले 100 वर्षों की जरूरत को देखते हुए विस्तारीकरण होगा। वहीं इस संबंध में गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने सिटी वन संवाददाता से बताया कि गीता प्रेस को 100 वर्ष हो गया है। इस समय गीता प्रेस के पास जो स्थान है वह कम पड़ रहा है। इस समय पुस्तकों की जो डिमांड आ रही है उसको बनाकर दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए अगले 100 वर्ष के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोगों को विरासत में जो स्थान मिला उसमें गीता प्रेस 100 वर्ष चला। अब आगे की 100 वर्ष के लिए हम लोग 20 एकड़ जमीन तलाश रहे हैं जो कि गीडा या कहीं पर मिल जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन से जमीन के लिए मांग किए हैं। इसके साथ ही पुस्तक बनाने वाली मशीन को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए बेंगलोर से टीम आकर सर्वे कर रही है जो कि 5 करोड़ की मशीन है। इससे हमारे प्रोडक्शन का बढ़ावा होगा और सभी पुस्तकें की डिमांड पूरी कर पाएंगे। कैसा है कि गीता प्रेस अपने अगले 100 साल की प्लानिंग कर रहा है? 100 साल हो गया, यहाँ लगभग 2 लाख वर्ग फीट जमीन हमारे इस कैंपस में है, लेकिन जितनी पुस्तकों की मांग है, जितनी मशीनें हम लगा चुके हैं, तो अब इससे अधिक यहाँ से हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं और मांग के सापेक्ष में लगभग 70% पुस्तक ही हम दे पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहली मेरी आवश्यकता है 20 एकड़ ज़मीन की, जिसके लिए हमने प्रशासन से मांग किया है
कि गोरखपुर के बहुत नज़दीक, जहाँ प्रेस के हमारे नज़दीक हो, वहाँ 20 एकड़ हमको ज़मीन मिले तो हम उसको डेवलप करें, नई मशीनें हम आधुनिक तकनीकी वहाँ लगाना शुरू करें और अगले 100 वर्ष तक हम अपना वहाँ काम चलाएं। और मशीनों के लिए भी हम लोग नित्य प्रति उस पर चिंतन कर रहे हैं। अभी जाने का विचार है अगले सप्ताह मशीन देखने के लिए। जो लोग बेंगलोर से आए थे, मशीन जो बनाते हैं बाइंडिंग की, तो अजिल्द पुस्तकों के लिए वो मशीन बहुत अच्छी है। पुस्तक छपने के बाद ऑटोमेटिक उसकी मिसिल उठ जाएगी, उस पर कवर लग जाएगा और तीनों तरफ से एक साथ पुस्तक की कटिंग हो जाएगी। तो ये पुस्तक अच्छी लग रही है। इसके बाद जिल्द बनाने वाली पुस्तक की भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि कौन सी मशीन ऐसी है जो हमारे काम की है। तो इस पर काम चल रहा है तेज़ी से, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने इस समय यह है कि हाँ, महामहिम राष्ट्रपति भी आ चुके और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ चुके। इन लोगों के आने के बाद भी अगर पुस्तकों की हम आपूर्ति ना कर पाएँ तो इन लोगों के आने के बाद तो हमारे सामने चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। मांग भी पुस्तकों की बढ़ती जा रही है, इतने तीर्थयात्री निकल रहे हैं, जहाँ कॉरिडोर बन रहे हैं, चाहे वहाँ बना महाकालेश्वर महाकाल का कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ का बना, अयोध्या मंदिर बन रहा है, विंध्याचल धाम में हो रहा है, तो ये सब जो तीर्थ क्षेत्रों का और मंदिरों का विकास हो रहा है तो वहाँ तीर्थयात्री भी अधिक आ रहे हैं, पर्यटक भी अधिक आ रहे हैं। तो पुस्तकों की बिक्री हमारी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है, मांग भी बढ़ती जा रही है। सर, कितने तक की मशीन? देखिए, ऐसा है कि मशीन तो हमारे पास अभी जो है 13-13 करोड़ तक की है, लेकिन ये अलग अलग मशीनें हैं। अगर हम अजिल्द बाइंडिंग की मशीन देख रहे हैं, जो वो लगभग 4-4.5 करोड़ के आसपास की मशीन हो सकती है, और जो हम देख रहे हैं बाइंडिंग वाली मशीन देख रहे हैं वो 5 करोड़ से ऊपर की मशीन होगी। तो इस तरह से भी तो कोटेशन वगैरह आ रहे हैं। अभी मशीन की कास्ट के विषय में बहुत ज़्यादा फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन अभी हम लोग अगले सप्ताह ही डिसाइड करेंगे कि मशीन हमारे काम की है तो फिर उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, अभी ज़मीन प्रस्तावित नहीं हुआ था? ठीक है, नहीं, अभी ज़मीन हमको दिखाई नहीं गई है कि ये ज़मीन हमको कहाँ मिल रही है, अभी ये कोई ऐसा नहीं आया है। सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस SDM सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। SDM सदर ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी से सुनकर संबंधित अधिकारियों को ससमय गुणवत्ता युक्त समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। सदर तहसील सभागार में 58 फरियादी अपनी समस्या को लेकर आए, जिसमें 6 फरियादियों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया गया। इस दौरान सदर तहसील विकास कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अरविंद पांडे, नायब तहसीलदार प्रमोद श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SDM सदर नेहा बंधु ने बताया, आज तहसील समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है, सभी अधिकारी और सभी जो संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। अब इसमें हर तरह के ही मामले आते हैं, विभिन्न विभागों से संबंधित मामले आते हैं, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग,
नगर निगम, जीडीए, हर तरह के मामले आते हैं। फ़ायदा ये होता है कि जिन मामलों में समन्वय की ज़रूरत होती है या फिर जो व्यक्तिगत ध्यान की ज़रूरत होती है किसी अधिकारी की, तो वो यहाँ पे अच्छे से हो जाता है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो व्यक्ति मान लो तहसील दिवस में नहीं आ पाए और उनकी कोई समस्या है, तो प्रतिदिन जन सुनवाई यहाँ पे होती है तहसील सदर में, तो वो मुझे बता सकते हैं। सुबह 10 से 12 के बीच में आएँ, कभी कभी 3-4 घंटे भी बैठती हूँ, तो प्रतिदिन वो अपनी आके समस्या बता सकते हैं। और हमारा भी जो मकसद है वो यही रहता है कि लोग आएँ और उनकी समस्या नियमानुसार जल्दी से जल्दी उनका समस्याओं का समाधान हो जाए। जनपद में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के साथ ही अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने गोला थाने पर दक्षिणी क्षेत्र के समस्त चौकी प्रभारी के साथ मीटिंग किया, जिसमें विशेष रूप से वाहन चोरी, नकबजनी व छिनैती सहित अन्य घटनाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विगत एक वर्ष में हुई सभी घटनाओं की समीक्षा करते हुए आने वाले दिनों में घटना की रोकथाम व पूर्व के अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जनपद के प्रसिद्ध घंटाघर स्थल के जीर्ण द्वार को लेकर शासन के निर्देश के क्रम में नगर निगम प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि घंटाघर से आर्यनगर तक बेतरतीब बिजली के तारों व बिजली के खंभों को हटाने के साथ ही अंडरग्राउंड प्रस्ताव को तैयार किया गया है। यह जनपद का मुख्य मार्ग है जिसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में जुलूस आदि निकलते हैं। साथ ही जनपद के बड़े व्यापारिक क्षेत्र में भी यहाँ की गिनती होती है। ऐसे में सुरक्षा दृष्टि और व्यापार को बढ़ावा देने को लेकर यह कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, देखिए घंटाघर जो हमारा एक विरासत हमारी है और घंटाघर पे चूँकि एक बहुत जो भी शहर के मुख्य कार्यक्रम होते हैं घंटाघर से शुरुआत होती है, तो घंटाघर का जीर्णोद्धार उसका रिनोवेशन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे पहला पड़ाव है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश प्राप्त हुए थे और वहाँ पे भी बहुत सारे जो व्यापारिक संगठन हैं उनका भी कहना था कि जो घंटाघर है इसका रिनोवेशन किया जाए। तो पहला जो प्रोजेक्ट है वो घंटाघर का रिनोवेशन है और दूसरा उस घंटाघर से चलते हुए बख्शीपुर नकास होते हुए आर्यनगर और धर्मशाला तक ये जो रोड है ये लगभग 3.5 किलोमीटर का रोड है। इसमें जो केबलिंग है जो अभी सभी ओवरहेड केबलिंग है, बिजली के तार बेतरतीब हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, जो कि मेन व्यापारिक केंद्र है जहाँ पे बहुत शहर के आसपास के सब लोग, पूर्वांचल के बहुत बड़ी मंडियाँ वहाँ पे हैं, तो काफ़ी लोग व्यापार करने आते हैं, बहुत सारा चहल पहल होती है, तो ऐसे में दुर्घटनाएँ की भी संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में जितने भी बिजली के तार हैं, जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं, उन सबको अंडरग्राउंड के लिए एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। हाइडल के द्वारा इस प्रस्ताव को बनाया गया है और इस प्रस्ताव को शासन को प्रेषित कर दिया गया है, तो जिसके माध्यम से जितनी भी ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, सभी को अंडरग्राउंड किया जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी स्टोन है, स्टोन वाटर है, उन सबको भी अंडरग्राउंड करते हुए यूटिलिटी डक्ट के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें उस पूरे रोड को एक अच्छा सा व्यापार केंद्र का एक हब बनाया जा सके और साथ ही साथ जो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो वहाँ पे लोगों के लिए एक चिंता का विषय है उसको समाधान किया जा सके। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उसमें था कि जो वहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए पार्किंग की जगह नहीं है, तो इसके लिए बंधु सिंह पार्क में एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कम मल्टी लेवल कार पार्किंग, इसका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है और उसमें लगभग 250 गाड़ियों से अधिक की गाड़ियों की पार्किंग की क्षमता वाला एक मल्टी लेवल पार्किंग वहाँ बनाया जाएगा और जल्द ही इसका समय लेकर शिलान्यास भी करवाया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। दूसरा
बंधु सिंह कार पार्किंग होने के, जब बंधु सिंह मल्टी लेवल कार पार्किंग वहाँ पे हो जाएगी तो एक व्यापारिक केंद्र का जो है, जैसे बहुत सारे व्यापारियों की ये शिकायत थी कि यहाँ पे कोई कार पार्किंग ना होने की वजह से, कोई पार्किंग की सुविधा ना होने की वजह से उनके व्यापार पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ पे भी एक बंधु सिंह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाया प्रस्तावित है इसी के साथ, और साथ ही घंटाघर का रिनोवेशन, और तीसरा आपका जो बिजली के तार हैं सबके अंडरग्राउंडिंग, ये बिजली के तार वाला ये प्रस्ताव शासन को जा चुका है, शासन से जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी इस पर कार्य चालू किया जाएगा। सदर तहसील सभागार में पदोन्नत होकर स्थानांतरित हुए कर्मचारियों का एसडीएम सदर नेहा बंधु की मौजूदगी में माला पहनाकर व बुके देकर सम्मान किया गया। वहीं नए स्थानांतरण स्थल पर पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने की भी अपील की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु व स्थानांतरित हुए कर्मचारियों ने बताया। सदर तहसील के तीन नायब तहसीलदारों का जो प्रमोशन है तहसीलदार पद के लिए हुआ है, तो पूरे तहसील परिवार की तरफ से मैं उन्हें हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ, और मुझे यकीन है जहाँ जो भी इनको नया दिया जाएगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, नई जिम्मेदारी दी जाएगी, उस पर ये बखूबी बहुत अच्छे से कार्य करेंगे, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इन लोगों के साथ। जैसा तहसील सदर में हम लोग की पहली पोस्टिंग थी, और यहाँ पे इतना सारा अनुभव, इतना सारा डाइवर्सिटी का हम लोग ने काम किया है कि ये आगे हर समय सर्विस में काम आएगा, और हम लोग आशा करेंगे कि राजस्व के जो भी काम है उस पर खरा उतरा है। यहाँ सदर तहसील में मुझे लगभग 1.5 साल नायब तहसीलदार के पद पर कार्य करने का मौका मिला, और मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 2 IAS अधिकारियों के बीच काम किया, और उनके साथ काम करके जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, और निश्चित है कि वो आगे मुझे मार्गदर्शन देते रहेंगे, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा समय रहा यहाँ पे, और ये जो है हरदम मुझे कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलता रहेगा इसके लिए मुझे। मेरा ट्रांसफ़र देवरिया हुआ है, और मैं प्रयास करूंगी कि अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ जो भी मुझे कार्य और दायित्व तो मिलेंगे मैं उसका निर्वहन करूं, क्योंकि नायब तहसीलदार के रूप में एक गार्जियन होते हैं तहसीलदार, उनसे मार्गदर्शन मिलता है। अब चूँकि खुद तहसीलदार के पोस्ट पर जाने के बाद से एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो मैं भी पूरा कोशिश करूँगी कि उस कार्य दायित्व को अच्छे से निर्वहन करूँ, पूरी लगन निष्ठा से करूँ। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9830 1609 9935 9088। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय अमित, विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल।
सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। आरटीओ गोरखपुर के नेतृत्व में ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जाने के अभियान का रेलवे स्टेशन परिसर के प्रीपेड सेंटर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने शुभारंभ किया, जिसके तहत मौजूद सभी ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा गया और इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में ऑटो के मालिक व ड्राइवर का संपूर्ण विवरण फीड किया गया, जिससे कि उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से किसी भी परिस्थिति में ऑटो के चालक मालिक की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया जा सके और भविष्य में होने वाले आपराधिक घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सके। ये मैक्सिमम समय आपको इस महीने की अंतिम तारीख तक 31 तक दिया गया है। इसके बाद जो भी ऑटो बगैर नंबर के, नंबर मतलब जो आपको गोला नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो बताया गया उसके बिना चलेंगे तो आपकी कार्रवाई होगी, इसलिए कि आप गलत तरीके से चलने के आदत हमें डाल दिए हैं कि आप सही नहीं चलेंगे। वो एक पहचान है, आप कोई भी गलती करेंगे वो छुपेगा नहीं उससे, और वो पब्लिक की सुविधा के लिए दिया गया है। आरटीओ प्रवर्तन श्री संजय कुमार झा जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन संजय कुमार झा ने बताया, गोरखपुर महानगर में सेफ सिटी योजना के अंतर्गत जनपद में संचालित जितने भी हमारे ऑटो रिक्शा हैं उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किया जा रहा है। इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में गाड़ी का पूरा डिटेल होगा, किस ईंधन से संचालित हो रही है, कहाँ की परमिट है, कौन चालक है, उसका क्या पता है, उसका क्या मोबाइल नंबर है, ये सारा आइडेंटिफिकेशन जो है उस डेटाबेस में होगा। क्योंकि अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होती है किसी सवारी के साथ तो गाड़ी का नंबर याद नहीं रखता है, लेकिन अगर वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का तो वो उसे याद रहेगा और इस तरह से जो क्राइम होगा उसे डिटेक्ट करने में ज्यादा आसानी होगी। सुगम यातायात, सुरक्षित यातायात इसका मूल उद्देश्य है। सर कब तक ये डेट लास्ट डेट है इसका? इसका लास्ट डेट 31 अगस्त तक रखा गया है। 31 अगस्त को इस कार्य की समीक्षा होगी, उसके बाद आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। विगत शुक्रवार को एक यात्री ने यातायात पुलिस को सूचना दी कि वह राजेंद्र नगर से ऑटो रिक्शा में बैठकर धर्मशाला तक आए और ऑटो से उतरकर चले गए। उसी ऑटो में उनका बैग छूट गया जिसमें उनका 25,000 नगद, पासबुक और कुछ कपड़े हैं। यातायात पुलिस द्वारा तत्काल ITMS के कैमरे व अन्य माध्यम से ऑटो का पता लगाया गया। महज 3 घंटे के अंदर ही ऑटो व बैग को खोज लिया गया। शनिवार को यातायात कार्यालय पर बुलाकर यात्री का बैग, पर्स में रखा हुआ सारा सामान उसे सकुशल सुपुर्द किया गया, जिस पर यात्री ने गोरखपुर पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की और धन्यवाद ज्ञापित किया। नवसार की बड़ी भूमिका है, नवसार ही लगातार जो है कि इसमें सही आदमी लगा है। इस
इसमें ये हुआ था, इनके में तो पहले फोटो ही नहीं आया था, आया आधा ही टेम्पो का तो नंबर उसमें आया नहीं, तीन तीन दिन का डाटा लेके पूरा सर्च किया गया। अरे भाई वो इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देव बिंद ने बताया, एक अनिकेत पांडे नाम के व्यक्ति हैं जो राजेंद्र नगर से ऑटो पर बैठे थे और धर्मशाला पर आकर उतरे थे और उनका बैग ऑटो में छूट गया था जिसमें उनका 25,000 रुपया और पासबुक और कुछ कपड़े थे। वो अपनी बहन की तिलक चढ़ाने जा रहे थे और बैग ऑटो में छूट गया, बाद में उनको ध्यान आया तो ऑटो वहाँ से जा चुका था। इन्होंने यातायात पुलिस को सूचना दी, यातायात पुलिस ने इसमें प्रयास करके और उस ऑटो का पता लगाया और इनका बैग तथा इनका 25,000 रुपया सारा सामान बरामद हुआ और इनको आज यातायात कार्यालय पर सुपुर्द किया गया है। बदलते मौसम में मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। जिला चिकित्सालय में भी मरीज की संख्या बढ़ गई है। अधिकतर मरीज उल्टी, दस्त, डायरिया, डेंगू, मलेरिया, पेट सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर जहां मरीजों का समुचित इलाज कर रहे हैं, वहीं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के उपाय भी बता रहे हैं, जैसे इस मौसम में खुले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें व बाहर के खाद्य पदार्थों का सेवन न करने की बात कर रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, देखिए जनपद में मलेरिया अभी बिल्कुल लगभग शून्य के आसपास है। हमारे पास केवल एक केस पहले निकला था, वो स्वस्थ हो चुका है और हम लोगों ने करीब 70,000 से ज़्यादा की स्लाइड बना ली है। रात्रिकालीन स्लाइड बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए जो भी आवश्यक औषधियाँ हैं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के CSC तक अवेलेबल हैं। इसमें मच्छर जो होते हैं वो गंदे पानी में पनपते हैं, इसीलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने घर के चारों तरफ साफ सफाई रखें, कहीं पर भी पानी एकत्रित ना होने दें, अगर नालियों को ढक करके रखें और उसमें समय समय पर जला हुआ मोबिल, मिट्टी का तेल या डीजल डालते रहें जिससे कि मच्छर की ब्रीडिंग ना हो। घरों में मच्छर को रोकने के उपाय पूरे करना चाहिए, मच्छरदानी में सोना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए और इसमें तेज़ बुखार आता है, एक डेफिनेट इंटरवल पर जाड़ा लग करके बुखार आता है। इसकी जांच जो है रक्त की स्लाइड से होता है और रैपिड कार्ड टेस्ट से होता है, दोनों विधि हमारे यहाँ अवेलेबल है। सर बचाव क्या था घरेलू उपाय? मच्छरदानी है, साफ सफाई रखें, मच्छरदानी रखें, मच्छरों से अपने को दूर रखें। शासन के निर्देश के क्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत गोरखपुर नगर निगम सर्वोच्च स्थान स्थापित कर सके, इसको लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से प्रचार प्रसार व सिटीजन फीडबैक लिया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त तक निर्धारित की गई थी, वहीं अब स्थिति को आगामी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जनपद को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की रैंकिंग से अधिक लोग जुड़ सकें और अपना फीडबैक दे सकें या शासन की मंशा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, मैं जो सिटीजन फीडबैक है हमारे जो नागरिकों को सिटीजन फीडबैक देना पड़ता है उसका एक डेट 31 अगस्त कर दिया गया है, जिसमें सिटीजन अपना फीडबैक दर्ज कर सकते हैं। आप सभी लोग आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि हमारे जब जितने भी गोरखपुरवासी हैं अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की रैंकिंग देने के लिए, अच्छी रैंकिंग दिलवाने के लिए अधिक से अधिक फीडबैक दें, उसमें स्वच्छता ऐप के माध्यम से और वोट फॉर योर सिटी के माध्यम से आप अपना फीडबैक दर्ज करा सकते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में गोरखपुर को नंबर 1 बनाने के लिए सभी गोरखपुरवासियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में फीडबैक दें। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोला तहसील में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी फरियादियों की समस्याएं। गीता प्रेस प्रकाशन में शासन प्रशासन से की जमीन की मांग, कहा आधुनिक मशीनों से पूरी होगी पुस्तकों की डिमांड। संपूर्ण समाधान दिवस पर सदर तहसील में आए 58 फरियादी, 6 का मौके पर किया गया निस्तारण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दक्षिणी क्षेत्र के समस्त चौकी प्रभारी के साथ की बैठक, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश।
घंटाघर के जीर्णोद्वार के साथ ही आर्य नगर तक बेतरती बिजली के तारों व खंभों को किया जाएगा अंडरग्राउंड, बनेगा व्यापारिक हब। एसडीएम सदर की मौजूदगी में पदोन्नत होकर स्थानांतरित हुए कर्मचारियों का किया गया सम्मान। आरडीओ के नेतृत्व में ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अभियान का महापौर ने किया शुभारंभ। यातायात पुलिस द्वारा ऑटो रिक्शा में छूटे बैग जिसमें 25,000 नगद व अन्य सामान को सकुशल बरामद कर यात्री को किया गया सुपुर्द। बदलते मौसम में बढ़ी मरीजों की संख्या, इलाज के साथ डॉक्टर बता रहे बचाव के उपाय। सिटीजन फीडबैक की तिथि बढ़ी, नगर आयुक्त ने की अपील, कहा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में करे योगदान। और सीएमओ की जनपद वासियों से अपील, कहा फाइलेरिया रोधी दवा का जरूर करें सेवन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।